समूह मां जुड़ाई ने गरीबी ने हटायो, हमने अच्छा धंधो करी ने मजदूरी से बचायो। मध्य प्रदेश के इंदौर में आजीविका की बदौलत ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक बदलाव की सुहानी सूरत देखने को मिल रही है। महिलाओं को संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उनके हाथों में हुनर सौंप रहा है। उनकी आजीविका से परिवार की आमदनी बढ़ रही है। अब वे आत्मविश्वास से लबरेज दिखती हैं। इंदौर जिले के नागपुर गांव में उजाला महिला आजीविका ग्राम संगठन की 20 महिलाएं हर दिन काढ़ा पाउडर और सैनिटाइजर तैयार कर रही है। NRLM के जरिए इन समूहों को हर मुमकिन सहायता पहुंचाई जा रही है। समूह ने 3.5 लाख का लोन लेकर मशीनें जुटाई। यहां तैयार सैनिटाइजर और काढ़े को आयुष विभाग खरीदेगा। आयुष विभाग ने इसके लिए 3 ग्राम संगठनों को 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी किया है। इस काम में महिलाओं के जीवन में नया सवेरा दिखाई दे रहा है। ये काम मिला है हमें, इससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और हम हमारे परिवार को वो सभी खुशियां दे पाएंगे जो हम नहीं दे पा रहे थे। जम्बूड़ी हप्सी में बैंक सखी के जरिए औरतों में बचत की आदत डाली जा रही है। ललिता चौहान ने अपने गाँव में बीते 10 महीनों में 46 स्वयं सहायता समूहों समेत 492 बचत खाते खुलवा दिए। गांव की यह बैंक महिलाओं की अपनी बैंक है, जो दिन रात खुली होती है, जब जरूरत हो पैसा हाजिर। जब से हम इस ग्रुप में जुड़े, बैंक द्वारा बचत भी हो रही है और जिंदगी में बहुत सा बदलाव आ रहा है, जिंदगी बदल रही है। रंगवासा की ये महिलाएं 1 साल से टेलरिंग का काम कर अपनी आजीविका चला रही है। वक्त की मांग के मुताबिक ये अब मास्क तैयार कर रही है। अब तक 15,000 मास्क तैयार कर चुकी है। महज 3 महीनों में इससे उन्हें करीब 50,000 रुपए की आमदनी हुई है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा घर भी चल रहा है, हमें 2 पैसे आ भी रहे हैं और लोगों की हम मदद कर रहे हैं। ये औरतें अब दहलीज पार कर YouTube के जरिए मैक्रम के अपग्रेड आइटम बना रही है। तोरण, झूला, लेटर बॉक्स, झूमर और पैरदान बनाकर इन्हें बाजार में सप्लाई कर रही है। गांव की 15 महिलाएं इससे 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह की अतिरिक्त आमदनी कर रही है। ये काम पुराने जमाने के कोई नानी जी है, दादी जी है, गाँव मतलब ठीक है, तो अब ये काम हम कर रहे हैं, इससे हमको 2 पैसे भी मिलते हैं जिससे हम हमारी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। रंगवासा की नर्सरी मनरेगा मद से तैयार की गई। इसके संचालन का जिम्मा महिला समूह को सौंपा गया। ये नर्सरी महिलाओं के लिए आजीविका का जरिया बनेगी। इसमें 1.5 लाख पौधे तैयार कर 100 से ज्यादा पंचायतों में भेजे जाएंगे। इसी तरह माचल गांव के पत्थर खदान के इस तालाब का पट्टा 10 सालों के लिए राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया। समूह की 11 महिलाएं मछली पालन कर खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही हैं। जो पहले खदान जो फालतू पड़ी हुई थी और हमारे लिए जो पैसों की खदान बन गया। सेमलिया चाऊ की रेखा अपने ही समूह से 25,000 का लोन लेकर आजीविका फ्रेश के नाम से सब्जी की दुकान चला रही है। सब्जी बेचकर रेखा 15,000 रुपए महीना अर्जित कर रही है। इसी तरह जामनिया खुर्द की ज्योति सैनी का चूड़िया बनाने का कारोबार भी चल निकला। उसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख का लोन मिला है। इसमें 30,000 रुपए अनुदान दिया गया। ज्योति इस कारोबार से 16-17 हजार रुपए प्रति माह आय अर्जित कर रही है। ज्योति के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी की चमक साफ दिखाई देती है।
मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छा रोजगार दिया है। कुल स्वयं सहायता समूह 2425, कुल गांवों की संख्या जिनमें स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं 448। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या 26301। 202 समूहों को 2,70,75,000 का सामुदायिक निवेश फंड उपलब्ध कराया गया। 358 स्वयं सहायता समूहों को बैंक से लिंकेज कर 4,91,85,000 का बैंक लोन उपलब्ध कराया गया। समूहों की तरफ से तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए इंदौर हाट लाया जाएगा। जाहिर है इससे पैसों के साथ साथ हुनरमंद हाथों को मान भी मिलेगा। यकीनन गरीबी और बेबसी के कुचक्र को तोड़कर आजीविका मिशन खुशहाली की एक नई राह बन रहा है। इसे गांवों में बदलाव और तरक्की का इंद्रधनुष आकार ले सकेगा।